हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी 7th क्लास का थर्ड चैप्टर संगीत की दुनिया शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, एक संकलन है, यानी इसका डाटा भिन्न भिन्न खोजों से या इन जो भी अनुसंधान किए जाते हैं वहां से ढूंढा गया है। ठीक है, इसको कहते हैं संकलित, यानी इकट्ठा किया गया डाटा, उस पे लिखा गया पाठ संगीत की दुनिया। बच्चों, संगीत की दुनिया यानी संगीत का हमारे जीवन में क्या महत्व है। संगीत की परंपरा भारत में शताब्दियों से चली आ रही है। वेदों में भी संगीत और वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है। भारतीय संगीत की महत्ता को वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। भारतीय संगीत अपनी कला के कारण पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस पाठ का सार रूप ये है कि कुल मिला के भारत में संगीत, उसका महत्व, संगीत का उद्गम या संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। भारत एक पहले भी बताया गया है कि विशाल और एक पूरा संस्कारी राष्ट्र है। यहाँ की परंपरा सदियों से, करोड़ों वर्षों से चली आ रही है। तो जो आज से बहुत समय पहले जो वेद ग्रंथ लिखे गए उनमें भी संगीत की खोज की गई। संगीत को बहुत अच्छे से समझाया गया। सामवेद, यजुर्वेद, ये सारे संगीत से संबंधित हमारे वेद है। यानी संगीत इतनी बड़ी चीज है कि इन पे दुनिया की महान किताबें वेद लिखी गई है। अब इस पाठ को पढ़ते हैं हम सब। सबसे पहले जो भी कठिन शब्द बचे, शब्द अर्थ वर्ड मीनिंग से उन शब्दों को साथ साथ देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। पाठ इस तरह से है। कल्पना कीजिए, कल कल बहती नदी के स्वर के साथ वंशी का बजना, रात की नीरवता में वीणा की झंकार का गूंज उठना, या फिर उमड़ते घुमड़ते मेघों के साथ मेघ मल्हार का गाया जाना। सुनने वाला क्षण भर को तो अपनी शुद्ध बुद्ध खो ही देता है। एक और प्रकृति और संगीत का अटूट संबंध है, तो वहीं दूसरी और मानव मन की कोमल भावनाओं से भी उसका स्थायी और शाश्वत नाता है। यही कारण है कि संसार के प्रत्येक कोने में संगीत की मधुर तान गूंजती सुनाई पड़ती है। भारत में संगीत की धारा प्राचीन काल से ही प्रवाहित होती आई है। बहते झरनों का कलकल नाद, हवा चलने से हिलते पत्तों की सरसराहट सुनकर मिले आनंद ने मनुष्य को संगीत रचने की प्रेरणा दी होगी। बच्चों देखो, संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई होगी या संगीत कैसे बनाया गया होगा, इसकी प्रेरणा हमें बहती नदी की आवाज, कलकल की आवाज और पत्तों के हिलने की सरसराहट से इसकी प्रेरणा मिली। आदि ग्रंथ वेदों की रचनाओं का लयबद्ध पाठ आज भी हमें मंत्र मुग्ध कर देता है। ऋग्वेद में तो तार वाले चमड़ा मड़े धातु के और फूंक कर बजाए जाने वाले बाजों का उल्लेख भी मिलता है। सामवेद की रचनाएं तो बड़ी ही गाकर जाती है। हजारों वर्ष बीत जाने पर भी सामगान आज भी उसी रूप में होता है। अथर्ववेद में तरह तरह के बाजों का वर्णन साथ ही ताल और लय के नियम भी बताए गए हैं। इन्हीं से धीरे धीरे नए वाद्य यंत्रों का विकास हुआ और अनेक राग रागिनियां बनी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नटराज शंकर को नृत्य, संगीत और कला का देवता माना जाता है। रामायण काल में वीणा, मृदंग, वेणु, दुदंभी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। इन्हीं के साथ जन सामान्य ने प्रतिदिन के क्रियाकलापों और से जुड़े गीत भी बना लिए होंगे। उत्सव और त्योहारों के साथ ही राजसभाओं में इन गीतों को गाए जाने का वर्णन उस काल की रचनाओं में मिलता है। बौद्ध धर्म में भी संगीत को पनपने का पर्याप्त अवसर मिला। बोधिसत्व स्वयं संगीत और नृत्य कला के मर्मज्ञ थे। मर्मज्ञ यानी जानने वाले। जातक कथाओं में नृत्य और संगीत की चर्चा मिलती है। मौर्य काल में संगीत का अधिक प्रचार और प्रसार हुआ। राजभवन और देवालयों में संगीत को महत्व प्रदान किया जाता था। गुप्त काल के राजाओं ने तो अपने सिक्कों पर वाद्य यंत्रों को चित्रित करके अपने संगीत प्रेम को दिखाया है। दक्षिण भारत के प्राचीन तमिल साहित्य में जिस संगीत का उल्लेख किया गया है उसे भक्ति आंदोलन से बल मिला। आज भी दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत की विशेष पहचान है।
आगे चलकर जब भारत में मुस्लिम सभ्यता का आगमन हुआ तो फारस और अरब संगीत का भी प्रभाव भारतीय संगीत पर पड़ा। 14वीं शताब्दी के आरंभ में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के कवि अमीर खुसरो महान संगीतज्ञ भी थे। अरब और फारस के संगीत का भारतीय संगीत से मेल करके अमीर खुसरो ने संगीत की नई धुनों और कुछ ताल वाद्यों का आविष्कार किया। कहते हैं तबला उन्होंने ही बनाया था। ताल वाद्य यानी वो वाद्य यंत्र, संगीत के यंत्र जिन पे ताल दी जाती है और उन्हें बजाया जाता है। 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह ने गायन की ध्रुपद शैली के विकास में विशेष योगदान दिया। मुगल बादशाहों के शासनकाल में संगीत का तकनीकी दृष्टि से विकास हुआ। तानसेन, बैजू बावरा, उस्ताद नियामत खां जैसे महान संगीतज्ञों के अथक प्रयासों से संगीत को बादशाह के दरबार में भी सम्मान मिलने लगा। इसी काल में मंदिरों में गाया जाने वाला भक्ति संगीत भी लोकप्रिय हुआ। सूरदास, नंददास, मीराबाई जैसे कवियों की रचनाओं को भारतीय रागों में गाया गया। 19वीं सदी में देश भर में फैले राष्ट्रीय आंदोलन में संगीत, नृत्य और नाटक राष्ट्रीय भावना के प्रचार के माध्यम बने। देश प्रेम के गीतों को राष्ट्रीय जलसों में गाया जाने लगा। इसी समय भातखंडे और विष्णु दिगंबर जैसे संगीताचार्यों ने शास्त्रीय संगीत में प्राण फूंकने का बीड़ा उठाया। 1916 में बड़ौदा में पहला संगीत सम्मेलन हुआ। हिंदुस्तानी संगीत लिखने वाले कॉलेजों और गंधर्व महाविद्यालयों की स्थापना होनी आरंभ हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। यह भारत की सबसे बड़ी संगीत और नाटक अकादमी है या संगीत और नाटक को प्रेरित करने वाला संस्थान है। इसके साथ ही भारतीय संगीतज्ञों ने अनेक देशों में अपनी कला का प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से विदेशों में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करके वहां संगीत शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा को दो धाराओं में विकसित हुई। एक दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत तथा देश के शेष भाग में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति प्रचलित हुई। दोनों ही पद्धतियों में 7 स्वर और 22 सूक्ष्म नाद माने गए हैं। यानी अब भारतीय संगीत की दो धाराएं चल पड़ी थी, एक कर्नाटक संगीत, दूसरा हिंदुस्तानी संगीत। भारतीय संगीत में राग और ताल का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय शास्त्रीय संगीत गायन में ध्रुपद, धमार, ठुमरी और ख्याल आदि लोकप्रिय हुए। श्रृंगार, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम, इन सभी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अलग अलग राग हैं। विगत कुछ वर्षों में सुगम संगीत भी खूब लोकप्रिय हुआ। शास्त्रीय संगीत के स्वर और तानों के स्थान पर इसमें भाव पक्ष को प्रधानता दी जाती है। भजन, गीता, गजल, कव्वाली के माध्यम से सुगम संगीत जन जन तक पहुंचा है। बच्चों, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, सुगम संगीत यानी जो सरलता से सभी को समझ में आ जाए। सुगम संगीत के साथ ही लोक गीतों की भी अपनी विशिष्ट परंपरा रही है। जनजीवन से जुड़े पर्व, उत्सव, विवाह, जन्म, कटाई, बुआई के साथ ही प्रतिदिन की आशा निराशा का मनोहारी रूप हमें लोक गीतों में देखने को मिलता है। गुजरात का गरबा, राजस्थान का घूमर, बंगाल में मटियाली, उत्तर प्रदेश और बिहार का बिरहा, महाराष्ट्र की लावणी सभी लोक गीतों के माध्यम से जन जन तक पहुंचे हैं। संगीत के मानव मन की भावनाओं से जुड़े होने के कारण वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में इसे चिकित्सा विज्ञान से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। संगीत में मानव को एकाग्रचित करने की अपूर्व क्षमता है। वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं कि संगीत के प्रभाव से पशु पक्षियों का व्यवहार बदल जाता है। अनुकूल संगीत के वातावरण में पेड़ पौधों का अच्छा विकास होता है और वे बेहतर फसलें देते हैं। इसका कारण यह है कि प्रकृति प्रदत्त प्रत्येक तत्व नैसर्गिक रूप से संगीत से जुड़ा है। इसमें थके जनमानस को आराम देने की अद्भुत क्षमता है। तो बच्चों देखो, संगीत का प्रभाव ये है कि थके मनुष्य को आराम तथा पेड़ पौधों का अच्छा विकास और पशु पक्षियों का व्यवहार तक भी संगीत के कारण बदल जाता है। तो संगीत के फायदे देखते हुए इसका प्रयोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। शब्दार्थ, सबसे पहले वंशी यानी बांसुरी, एक वाद्य यंत्र जिसे बजाया जाता है। नीरवता अधिक शांति, शुद्ध बुद्ध होश, अटूट न टूटने वाला, स्थाई
सदा रहने वाला, नाता संबंध, प्रवाहित बहना, नाद आवाज, स्वर नाद यानी आवाज या स्वर आदि, आरंभिक या शुरू के, रचा वेद के छंद, मंत्र मुग्ध मोहित या वश में करने वाला, उल्लेख जिक्र, वाद्य यंत्र बजाए जाने वाले बाजे, पौराणिक पुराणों की मान्यताएं एवं विचारधाराएं, जनसामान्य साधारण नागरिक, क्रियाकलाप किए जाने वाले कार्य, पनपने यानी विकसित होने, पर्याप्त बहुत, मर्मज्ञ रहस्य को जानने वाले, प्रचार जानकारी देना, प्रसार फैलाना, आगमन आना, ताल वाद्य चमड़े से मड़े वाद्य, योगदान सहयोग, अथक बिना थके, लोकप्रिय जनता में प्रिय, जलसा यानी समारोह, समृद्ध धनवान, विशिष्ट विशेष, खास विशिष्ट यानी विशेष या खास, एकाग्रचित ध्यान एक और लगाना, प्रदत्त दिए गए, नैसर्गिक स्वाभाविक और प्राकृतिक। इसी के साथ मुहावरा बीड़ा उठाना, किसी काम को करने का निश्चय करना, प्राण फूंकना, जीवन दान देना। धन्यवाद। पाठ को पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे।